पंजाब नेशनल बैंक स्कैम मामले में मेहुल चोकसी डोमिनिका की पुलिस की गिरफ्त में है। मेहुल को भारत लाने की कोशिश लगातार जारी है। करोड़ों का घोटाला करके फरार हुए मेहुल की कहानी काफ़ी फिल्मी लगती है और बहुत संभव है कि आने वाले वक्त में दर्शकों को मेहुल की ज़िंदगी पर आधारित कोई फिल्म या वेब सीरीज देखने को मिल जाए। फैशन, चांदनी बार और ट्रैफिक सिग्नल जैसी फिल्में बना चुके मधुर भंडारकर ने मेहुल चोकसी पर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बनाए जाने की बात में रुचि दिखाई है। मेहुल चोकसी की गर्लफ्रेंड द्वारा उन पर लगाए गए गंभीर आरोपों और खुलासों की खबर को रीट्वीट करते हुए मधुर भंडारकर ने लिखा, इस कहानी को सीधे तौर पर किसी फिल्म या छोटी वेब सीरीज में बनाया जा सकता है। अपनी बात लिखने के साथ ही मधुर ने एक इमोजी भी बनाया है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां मेहुल चोकसी को भारत लाए जाने की कोशिश जारी है, वहीं दूसरी तरफ उनकी गर्लफ्रेंड बारबरा जराबिका ने सामने आकर कहानी को बिल्कुल नया मोड़ दे दिया है। एक इंटरव्यू में बारबरा ने कहा है कि वह मेहुल चोकसी की दोस्त थी और मेहुल ने बातचीत में खुद का नाम बारबरा को राज बताया था।